दोस्तों, टेक्नोलॉजी के इस दुनिया में स्मार्टफोन तो हर किसी के पास है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होगा। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि उस स्मार्टफोन का नाम बताओ जिसमें पहले फिंगरप्रिंट स्कैनर को अवेलेबल कराया गया था, तो आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा और बहुत सारे तो गूगल पे भी सर्च करेंगे क्यों स्मार्ट हो रहे हो। तो आज के इस वीडियो में चलिए अमेजिंग फैक्ट बारे में पता करते हैं। तो दोस्तों, मोटोरोला वॉज दी फर्स्ट कंपनी जिसने पहले फिंगरप्रिंट स्कैनर को लेके आया था स्मार्टफोन की दुनिया में, और उस मॉडल का नाम है मोटोरोला एट्रिक्स, और ये बहुत पॉपुलर भी हुआ था उस टाइम पे। और इस फोन के इमेज को आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये फोन कैसा दिखता है। और इस फोन के जो फिंगरप्रिंट है ना, इस फोन के टॉप पे, मतलब आपको जो फिंगरप्रिंट स्कैनर प्लेसमेंट किया था, इस फोन के टॉप के ऊपर प्लेसमेंट किया गया था। दोस्तों, लगभग 2011 में सारे कंपनियों ने इस नए फीचर्स को एडॉप्ट करना और लेना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ये फीचर ज्यादा पॉपुलर हुआ जब एप्पल ने डिसाइड किया इस नए फीचर्स को, यूनिक फीचर्स को अपने आइकॉनिक आईफोन 5S में पुट करने के लिए। उस टाइम पे मिलियंस ऑफ पीपल इस नए फीचर्स को यूज करने लगे और अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी आने लगा। तो सारे एंड्रॉइड कंपनी में डिसाइड कर लिया इस नए यूनिक फीचर्स को एडॉप्ट करने के लिए। उस टाइम पे दो तरह के फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता था, नेक्सस 6P ने बैक साइड पे पुट किया था, और आईफोन 6S एंड सैमसंग S7 ने अपने होम बटन पे इस नए फिंगरप्रिंट स्कैनर को पुट किया था। और आप जो फोन के डिस्प्ले पे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर देख रहे हो ना, ये गोडिक्स एंड सिनेप्टिक के द्वारा डेवलप किया गया था। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आज के इस वीडियो में हमने एक अमेजिंग फैक्ट के बारे में बताया, और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट वाले वीडियो में आगे लाने वाला हूं, और आप इसके एपिसोड पार्ट बाय पार्ट देखने वाले हो। तो अगर आपको ये सारी जानकारी भी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी हमारे चैनल के बारे में पता चले, क्योंकि इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियो आ रहे हैं और नए नए टॉपिक पे वीडियो आ रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अपने दोस्त को भी बोलना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, क्योंकि हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में एक अच्छे नए चटपटे वीडियो के साथ। धन्यवाद।